नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। स्वागत है आपका गणेश उत्सव के दौरान खास कार्यक्रम बप्पा का विसर्जन क्यों में। हर साल गणेश उत्सव मनाया जाता है और उसके बाद गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कहानी है, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लक्ष्मीनारायण महाराज जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों को बताइए कि गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं। जय श्री राधे, जय गणेश। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका कि जिसका हम पूजन करते हैं उसका विसर्जन क्यों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणेश जी का ही विसर्जन किया जाता है। हम जिस किसी भी देवता का आह्वान करते हैं पूजा के उपरांत, हम उन देवता का विसर्जन भी करते हैं। अब प्रश्न यह है कि गणेश जी का ये उत्सव है, ये विशेष 11 दिन का उत्सव है, गणेश चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक। यह उत्सव हमारे भारतवर्ष नहीं बल्कि समस्त विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, भगवान शिव की आज्ञा अनुसार समस्त गण देवता एकत्रित हुए, प्रसन्न चित्त से सभी ने गणेश जी का पूजन किया और ये गणेश जी का पूजन 11 दिन तक चला। एकाएक भगवान शिव को यह भी याद आया कि जिस हाथी के बच्चे का सिर गौरी पुत्र को लगाया गया है, अब उसका जो धड़ है उसका क्या किया जाए। हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि कुछ कथाएं गोपनीय हो जाती हैं, जैसे भगवान के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा उस बालक का सिर जो भगवान ने काटा था वो कहाँ गया, एवं वह धड़ जिस पैसे शीश उतारकर गौरी पुत्र को लगाया गया वो धड़ कहाँ गया। ये गोपनीय कथा है, लेकिन कथा शास्त्रोक्त है, कोई दंत कथा नहीं है। यद्यपि जैसा हमने बताया कि विसर्जन तो हम जिसका आह्वान करते हैं उसका विसर्जन किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर और अक्सर यह देखने को प्राप्त होता है जब किसी यज्ञ का समापन होता है, जिन जिन देवताओं का हम आह्वान करते हैं ब्राह्मण लोग मंत्रों के द्वारा गच्छ गच्छ स्वश्रेष्ठ स्वस्थान, यानी सभी देवता अपने अपने स्थानों पर जाएं, लक्ष्मी गणेश जी रिद्धि सिद्धि के लिए हमारे घर में विराजमान रहें। जब यहाँ हम ये प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि के लिए विराजमान रहें, तो हम इन बप्पा का विसर्जन क्यों करते हैं। एक गोपनीय कथा और भी है, कि भगवान गणेश जी की दो माताएं हैं, भगवान गणेश जी की दो माताएं हैं। यद्यपि जिन गणेश जी को हम घर घर के अंदर पूजित कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, 11 दिन जिनकी हमने पूजा की है, वह मूर्तिमान गणेश जी ना तो माँ गौरा के गर्भ से हैं और ना ही अब वो शरीर रहा जिसको हत्नी ने जन्म दिया, शरीर तो अलग हो गया। गौरी नंदन एवं भवानी नंदन, भव एक विशाल
दहिया को, समुद्र को, विशाल शरीर को भव कहा गया है। और ये वही है जिनका सिर उतारकर उस गौरी पुत्र के धड़ पर रखा गया। लेकिन यहां हम श्रद्धावंत होकर दिनांक 5 सितंबर को भगवान गणेश जी का विदाई समारोह है। सभी हर्ष उल्लास से गणेश जी को विदा करेंगे और अगले वर्ष पुनः आगमन की इच्छा जाहिर करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विसर्जन वाले दिन अनंत चतुर्दशी, उसका नाम भी क्या है, अनंत का शब्द दो जगह प्रयोग होता है, एक भगवान श्री हरि के आगे और एक भगवान गणेश जी के आगे, जिनका कोई अंत नहीं है। समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हरि के आगे अनंत शब्द का प्रयोग किया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस प्रकार वो परमात्मा, वो नारायण मेरे श्री हरि अनंत हैं, उस प्रकार से उनकी कथाएं भी अनंत हैं। और ठीक उसी प्रकार से गणेश जी, हमने ही आपको गणेश जी की जीवनी, गणेश जी का जन्म, गणेश जी का पूजन, गणेश जी का विसर्जन, अनंत चतुर्दशी वाले दिन प्रातःकाल जैसे हम लोगों ने 11 दिन से पूजा की, उस दिन से आज तक जो हम पूजा करते रहे, इसी प्रकार विधिवत पहले भगवान गणेश जी पूजा करनी है। एक वस्त्र में हल्दी की गांठ बांधकर यथाशक्ति उसमें दक्षिणा रखकर गणेश जी के साथ रखे। और आज के प्रदूषण को देखते हुए, यद्यपि हम जो पूजा करते हैं उनके फूल पुष्प सब कुछ हम दरिया में जाकर विसर्जित करते हैं, गंगा में विसर्जित करते हैं, यमुना में विसर्जित करते हैं, देवी स्थानों में जाकर विसर्जित करते हैं, लेकिन हमारी गंगा, माँ यमुना, सरयू आदि नदियाँ, ये सभी आज हमारे द्वारा प्रदूषित हो गई हैं। और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हम लोगों को चाहिए कि जितनी बड़ी हमारी गणेश जी की प्रतिमा है उससे कहीं बड़ा बर्तन लेकर उसमें गणेश जी को बिठाकर और उनका विसर्जन करें। ना हम किसी नदी में, न गंगा में या यमुना में, यथावत अपना साधन बनाएं और गणेश जी का मंत्र उपचार के द्वारा विसर्जन करें। यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, ना हम मंत्र जानते हैं, ना पूजा, ना भक्ति, जिस प्रकार से आपकी हमने पूजा की, इस पूजा को स्वीकार करते हुए हमारे घर में, हमारे व्यापार में, हमारे परिवार में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, विश्व में आप सुख शांति बनाए रखें। और पुनः जब हम आपको आह्वान करें तब फिर आप आकर हमारे ऊपर कृपा बरसाए रहें। इस मूर्तिमान शरीर से आप अपने स्थान पर जाएं, अपने लोक को जाएं और भाव स्वरूप से रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में आप विराजमान रहें, हमारे घर में, हमारे परिवार में, सबके अंदर सुख समृद्धि बनी रहे। इन्हीं कामना के साथ हम दिनांक 5 सितंबर को सायंकालीन समय में, जिस समय प्रदोष काल होता है, उस समय हम भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। इसका विसर्जन क्यों होता है, इसकी जो पौराणिक संबंध है, जो शास्त्रों संबंध है, क्योंकि हमने गणेश जी को 11 दिन के लिए आह्वान किया, हमने गणेश जी को 1.5 दिन के लिए आह्वान किया, हमने गणेश जी को 5 दिन के लिए आह्वान किया। जितने दिन के लिए हमने उनका आह्वान किया है उस मूर्तिमान गणेश जी को हम विसर्जन करते हैं। यद्यपि गणेश जी हमारे साथ, हमारे परिवार में, हमारे पूजा स्थान में सदैव विराजमान रहते हैं, हम दीपावली को जो पूजन करते हैं उन लक्ष्मी गणेश जी को भी हम जब दूसरे साल दूसरी मूर्ति स्थापित करते हैं तो उनको फिर जल प्रवाहित करते हैं। और जल प्रवाह का हमने जो आपको साधन बताया है, आज के प्रदूषण को देखते हुए आप लोग भी अपने घरों में
जितने बड़ी हमारी गणेश जी की मूर्ति है उससे बड़ा जल पात्र लेकर उसमें गणेश जी विराजमान कर दें और अक्षत पुष्प छोड़कर उनका विसर्जन करें। इसी के साथ आपको यह गणेश उत्सव हार्दिक कामनाओं के साथ, आपके व्यापार, आपके परिवार, हमारे समाज, हमारे देश और विश्व में भगवान गणेश जी शांति करें। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और नए धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए खुशियत्री को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बीवीएम न्यूज।